क्या आप जानते हैं बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका उत्तर है बैसाख की पूर्णिमा को। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनका परिनिर्वाण हुआ था। इसीलिए इस पूर्णिमा को त्रिगुण पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी पूर्णिमा को कूर्म यानी भगवान विष्णु के कछवा अवतार की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है और नरसिंह जन्म दिवस भी इसी दिन बताया जाता है। इन ब्राह्मणवादियों ने इतनी दुविधा यहाँ पर शामिल कर दी है कि हम अपने इतिहास को नहीं पहचान पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि नरसिंह कौन है, आखिर इसका भगवान बुद्ध के साथ क्या रिश्ता है और कुर्मा अवतार और नरसिंह अवतार और बुद्ध की एक ही दिन जयंती क्यों आती है? कहीं यह ब्राह्मणों का षड्यंत्र तो नहीं जो बुद्ध के अंशों को ही इन्होंने काल्पनिक नरसिंह और काल्पनिक कुर्मा अवतार की कहानी गढ़ दी हो? तो आइए इसका ऑपरेशन करते हैं।